जयराम सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री पूर्व कांगड़ा चंबा से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने कहा कि इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि पंडित सुखराम ने हमेशा दल बदल की और स्वार्थ की राजनीति की है। भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि पंडित सुखराम ने हमेशा दल बदल की राजनीति की है और केवल स्वार्थ की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर सुखराम का ये बयान कि उन्होंने जयराम को मुख्यमंत्री बनाया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सुखराम ने जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री नहीं बनाया अपितु प्रदेश की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद से सुखराम के बेटे अनिल शर्मा के इस्तीफे के निर्णय को उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा इस पर अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि अनिल शर्मा का पूरा परिवार कांग्रेस में जा चुका है और अब उन्हें भी कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। आज अनुसूचित जाति सम्मेलन नहीं था, आज अम्बेडकर जयंती थी और हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि अम्बेडकर जयंती हर वर्ष मनाई जाएगी। आज वो मनाई है और हमने यहाँ जो संदेश दिया है और जो हमारा सबका प्रयास है, जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो हमें एक दिशा दी थी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के वो वर्ग जो पीछे थे उनको अग्रणी श्रेणी में लाने के लिए प्रयास किए थे, आज उनके जीवन का विकास करा गया और सभी ने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता संकल्प लिया है उनके बताए मार्गदर्शन चलेंगे। मुख्यमंत्री वीर भद्र सिंह ने कल पिछले कल ही कहा है कि सुखराम जो है वो अवसरवादी है और कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइन किया सुखराम को, तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है वो सुखराम को अवसरवादी बोल रहे हैं? देखिए, वो तो सच्चाई है, कई बार उन्होंने दल बदले हैं और उन्होंने हमेशा स्वार्थ की राजनीति की है, अपने परिवार का ही देखा है। और अब सुखराम जी जो एक बात कह रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को बनाने का, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बनाने का, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम को अगर बनाया है तो हिमाचल की जनता ने बनाया। अनिल शर्मा जो है वो अभी उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया है लेकिन अभी वो पार्टी में बने हुए हैं, तो पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी जो उनको क्या बाहर का रास्ता दिखाएगी? देखिए, उनको स्वयं ही इस पर निर्णय लेना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसान पर चुनाव जीते थे, पूरा परिवार जो है उन्होंने फिर से कांग्रेस का हाथ धोया, उनकी पुरानी पार्टी थी उसमें चले गए तो परिवार के साथ चले, तो ये निर्णय लेना चाहिए। सर, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए भाजपा दबाव बनाएगी अनिल शर्मा पर? देखिए, हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, ये तो नैतिकता ही बनती है और उनको ये निर्णय लेना चाहिए। धर्मशाला में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा धर्मशाला में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयोजित सम्मेलन में विशेष रूप से पहुंचे कपूर ने बाबा भीमराव अंबेडकर के योगदान को भी याद किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों की याद की। किशन कपूर ने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 वर्षों में लगभग 60 वर्ष तक कांग्रेस ने एक छत्र राज किया है और इस दौरान कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति का उपयोग किया है।